दुनिया का एकमात्र शक्तिपीठ बुंदेलखंड में, जहां पहुंचना नहीं है आसान। यहां गिरा था माता सती का दांत, इसलिए पड़ा इस मंदिर का नाम गौरीदांत। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज की खास पेशकश, बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर। नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ राजेश पारा सर। तो आज बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर में हम आपको ले चलते हैं सागर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गौरी दंत मंदिर। यहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं, यहाँ का क्या इतिहास है, तो आइए हम आपको इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सागर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान जहां पहुंचना नहीं है आसान, जिसे गौरी दंत धाम के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सिद्ध क्षेत्र रानगिर से जंगल के रास्ते से होते हुए करीब 4 किलोमीटर एवं मौकलपुर या सुरखी से होते हुए नारायणपुर गांव से भी यहां पहुंचा जा सकता है। यहाँ माता गौरी की पाषाण प्रतिमा करीब 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। बहुत ही दुर्गम रास्ता होने के कारण यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, फिर भी भक्तगण इस स्थान पर भारी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ का मुख्य स्थान जो यहाँ करीब कितने फीट गहरी है ये गुफा? ये तो 150 फीट, 150-200 फीट एक गुफा है। बड़ी यहाँ जाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी सकरा मार्ग है, लेकिन हम आपको यहाँ ले चलते हैं। हमारे स्थानीय जो भाई साहब हैं खरे जी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ये काफ़ी सकरा मार्ग, के चलना पड़ेगा यहाँ से। नहीं पहुंचा जा सकता। आइए हम आपको इस गुफा की ओर ले चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे हम लोगों को चलना पड़ेगा। काफी कठिन रास्ता। ये देखिए यहाँ का मनोरम दृश्य। तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीदांत मंदिर और अब हम अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ के दर्शन करवाते हैं अपने दर्शकों के लिए। ये देखिए ये खरे जी मुख्य मंदिर है, यही है मुख्य मंदिर क्या? अच्छा, सिंहवाहिनी जी देवी का मंदिर यहाँ है। आप सभी दर्शकों को दर्शन करवाते हैं माँ के। ये हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाते हैं माँ सिंहवाहिनी देवी जी के, जो यहाँ विराजमान है। इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। मंदिर के आसपास शिलालेख हैं, जो आज भी इतिहासकारों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इन्हें देखने से यह प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र काफी पुराना है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जब सती हुई तो भगवान शंकर शोक में उनका शव लेकर तीनों लोकों में घूमते रहे, जिसे देखकर भगवान विष्णु ने इस तरह शिव का शोक में डूबना संसार के लिए उचित नहीं समझा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता पार्वती के शव को नष्ट किया।
ऐसा बताया जाता है कि इस छत विछत शव का एक दंत यहाँ गिरा, जिसे गौरी दंत कहा जाने लगा। आज यह माता की शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। गौरी दंत की पहाड़ी पर और भी कई मंदिर स्थापित हैं एवं एक रहस्यमय गुफा आज भी अबूझ बनी हुई है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है, लेकिन वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। सागर से कैमरामैन दीपक विश्वकर्मा के साथ जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। आप कहाँ से आए? मैं एक्चुअली रहली का रहने वाला हूं और मैं नायब तहसीलदार के पद पर हूं हटा में पदस्थ। यहां के बारे में बहुत प्राचीन मान्यता है, बहुत सारे लोगों से सुना था कि गौरीदात बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। जैसा कि बौद्ध स्तूप और आसपास के मंदिरों को देखकर लग भी रहा है कि प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर, किसी ने मुझे बताया था, मुझे एग्जैक्ट स्थिति नहीं पता है, उसी को देखने आए थे। रानगढ़ से हम लोग पैदल चल के आए हैं। यहाँ से 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास का फासला रहा होगा जी, वो तय करके कठिन रास्ते से होते हुए जंगलों झाड़ियों और बीच में तो हम रास्ता भी भटक गए थे। अच्छा, अच्छा। स्थिति देख के भी आपको लग रहा होगा कि हम काफ़ी चल के आए हैं यहाँ पे। पर कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नेचुरल प्लेस है, आना चाहिए। और बुंदेलखंड में ऐसे प्लेसेस को प्रमोट करना चाहिए, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, रास्ते बनवाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि स्थानीय प्रशासन को यहाँ के बारे में और अवगत कराऊंगा और यहाँ की वस्तुस्थिति और यहाँ पे क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके संबंध में भी चर्चा करूँगा। सर आपका नाम क्या है? रोहित सिंह राजपूत जी। धन्यवाद। ओके। छुट्टी का दिन है इसलिए आप लोग एंजॉय करने आए हैं, पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ आके कैसी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। यहाँ गुफा भी है, अच्छा अंदर है, यहाँ अंदर गुफा है, अंदर है, 50 फुट नीचे, 50 फुट नीचे है। अच्छा अच्छा, बिना से नहीं पहुँच पाते हैं। अच्छा, तो हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।